वेलकम टू द डिफेंस तैयारी। तो आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है एयरफोर्स के लिए। मैं सौरभ वशिष्ठ, मैंने ये खुद एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया और मैं मेडिकली अनफिट रहा हूँ। ये मेरे मेडिकली डेड कार्ड्स हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मैथमेटिक्स की क्लास है और आज का टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। जैसे आप देख सकते हैं, हम फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, और फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × n। एग्जांपल के तौर पर हम 4 फैक्टोरियल, तो 4 का मतलब हो गया 4 × 3 × 3 × 1 = 24। अब सेकंड टर्म आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, जैसे मोहन हैज 3 शर्ट एंड 2 पैंट्स, देन हाउ मैनी डिफरेंट शर्ट एंड पैंट। उसमें एक एरर है, डिफरेंट पेयर ऑफ शर्ट। ओके, तो हम देख लेते हैं। शर्ट मान लिया हमने ए बी सी 3 शर्ट है और पैंट है एक्स एंड वाई। तो पेयर बनेंगे पहले ए का एक्स से, बी का एक्स से, सी का एक्स से, और ए का वाई से, बी सी का वाई से, सी का वाई से। तो हमारे पास टोटल पेयर कितने हो गए? 6। अब यहाँ से परम्यूटेशन स्टार्ट होता है मेनली। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। तो हम NPR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन चूज r ऑब्जेक्ट, जितने हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि हमें n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं NPR। जैसे कि मान लो हमारे पास 5 बॉल हैं, तो हमें 2 बॉल लेनी है उनमें से, तो हम कैसे चूज कर सकते हैं? तो एग्जांपल हो गया 5P2। तो 5P2 को सॉल्व करते हैं 5 × 5 − 2 = 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे ले आ जाएगा 3 × 2 × 1 = इससे ये कट जाएगा, तो 5 × 4 = 20। अगला अब एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे नोज। पहले देखते हैं नोज। तो क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है रिपीटेशन जिसमें होती है और दूसरे में रिपीटेशन नहीं होती। अब मान लेते हैं रिपीटेशन होती है, तो रिपीटेशन होती है तो हो गया विथ रिपीटेशन, और एक में होता है रिपीटेशन नहीं होती है। तो पहले सॉल्व करते हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं होती। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 4। और एक बर्ड बनाना है कितने लेटर का? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 = 24। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डिब्बे बना के, जो मेरा फेवरेट है। तो हमने 4 डिब्बे बनाए, 4 लेटर का है। तो पहले लेटर के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है? 4। अब मान लो हमने इसमें कुछ भर दिया, जैसे सपोज ओ ही भर दिया, तो हमारे पास कितने लेटर बचे? 3। दूसरे के लिए 3। अब यहाँ पे हम ई मान लो ई भर दिया, तो हमारे पास कितने लेटर बचे? 2। दूसरे के लिए 2 चॉइस। ऐसे यहाँ पे हमने एन भर दिया, तो हमारे पास लास्ट के लिए कितना चॉइस होता? सिर्फ 1, वो भी एस। ऐसे ही 24। अब होता है परम्यूटेशन में विद रिपीटेशन। जैसे रिपीटेशन के लिए हमने डिब्बे बनाए थे, ऐसे इसके लिए भी डिब्बे बना लिए। तो मान लो हमने पहले इसके लिए, पहले के लिए कितने चॉइस हमारे पास? 4। जैसे मान लेते हैं हम इसमें एन भर देते हैं, एन भर दिया। अब हमारे पास कितने डिब्बे हैं? 3। तो दूसरे डिब्बे के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है? 3। नहीं नहीं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि हमें एन भी फिर से मिल जाएगा, तो कितनी चॉइस होगी? 4। ऐसे ही तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 5, 4। तो टोटल कितनी हो गई? 256। एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं बताता हूँ। एप्पल, एप्पल हमारे पास कितने लेटर्स का है वर्ड? 5 लेटर्स का। तो कितना हो गया फैक्टोरियल? 5। और इसमें पी ना सेम है, अगर पी ये वाला पी इधर आ जाएगा या इसके वाला पी इधर आ जाएगा, तो लेटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें सेम से हमें डिवाइड भी करना होता है। जैसे ये कर दिया मैंने 5 × 2 = 5। इसका मतलब हो गया 5 × 2 का मतलब ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसके नीचे 2 × 1। तो ये 2 से
ये दो कट गए, तो 34, 12, 12 60। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रावल, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन अलाहाबाद। अलाहाबाद अलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना हो गया 9 फैक्टोरियल। अब इसमें ए कितनी है 4, तो नीचे कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। अब इसमें एल कितनी है सेम 2, तो कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। बाकी सब तो डिफरेंट ही ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब नीचे 4 × 3 × 2 ×1, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। अब 2 फैक्टोरियल 2 × 1, इससे ये कट गया, 2 से ये 8 कट गया, 9 × 36 42 42 × 100 210 210 480 480 और 76। आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, टॉपिक ही क्या, अगला क्वेश्चन है फिर से एप्पल का ये, बट इस बार जो कॉन्सेप्ट अलग है। एप्पल में पहले थे सिर्फ हमें लेटर्स बनाने थे, कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं थी, इसमें हमने लगा दिया। जैसे एप्पल में पहले हमें 4 बॉबल्स एक साथ चाहिए और दूसरे में बॉबल डिफरेंट होने चाहिए, तो पहले आप बॉबल्स एक साथ होने चाहिए, तो हमें 5 लेटर्स हैं AEPPL। अगर हमारे पास बॉबल्स एक साथ चाहिए तो हमने एक साथ कर लिए, एक डब्बे में इसे बंद कर दिया, तो अब हमें डब्बे को एक गिनेंगे बाकी सब, तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं 4, तो हमने 4 फैक्टोरियल लिख लिया। और पी सेम है 2, तो अपॉन फैक्टोरियल 2, लेकिन डब्बे में भी तो एक्सचेंज हो जाएगा, तो लेटर चेंज हो जाएगा ना, वर्ड चेंज हो जाएगा, लेटर चेंज होते हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, ये 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 × 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना आ गया 24। अब इसमें अगला कंडीशन है कि बॉबल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो अगर बॉबल्स एक साथ नहीं होने चाहिए तो हमने पहले क्वेश्चन निकाल लिया बॉबल एक साथ हैं, और हमने पहले क्वेश्चन निकाल लिया, उससे भी पहले निकाल लिया था हमने बॉब टोटल अरेंजमेंट क्या था, तो हम बॉबल एक साथ ना होने का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस ऑल बॉबल टुगेदर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बॉबल आर नॉट टुगेदर, बॉबल एक साथ नहीं आएंगे। जैसे तो हमने पहले निकाला था टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना आया था 5 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल, जिसे हमने सॉल्व करके 60 आ गया। और अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था कि बॉबल्स टुगेदर आए तो कितना अरेंजमेंट आएंगे, तो 24 आ गया था, 24 60 - 24 36। आज के लिए इतना है।